अस्सलाम वालेकुम, मैं सफदर खैसर कौसर न्यूज से। आपने बारह देखा होगा कि शहर मैसूर के रिंग रोड में मैंने कई मरतबा कई हादसों को आपके रूबरू पेश किया है, कभी रोड एक्सीडेंट तो कभी लोगों पर खातिलाना हमला, और आज ऐसा ही एक मामला साजिद नामी एक इफराद का। साजिद दरअसल जो है इंडियन ड्राइविंग स्कूल के मालिक हैं। आज मुझे अचानक पता चला है कि उन्हें उन पर खातिलाना हमला हुआ है। सवाल ये है, शहर मैसूर जो कभी अमन का शहर माना जाता था, क्या आए दिन हम क्यों ऐसा देख रहे हैं, कहीं कोई हादसा तो कहीं खातिरनाक हमला, घर घर में बच्चों तक को बख्शा नहीं जा रहा है, बल्कि ड्रग माफिया भी बहुत जोरों पर है। ऐसे में अगर शहर मैसूर की फिजा को हम लोग मुतहद तौर पर कोशिश ना करें और ऐसे लोगों से दूर ना रहें और चौकन्ना ना रहें, तो आज साजिद पर हमला हुआ है, कल किसी और पर होगा। सवाल वही है कि आज प्रज्वल हॉस्पिटल में वो एडमिट हुए हैं। साजिद की जुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल मामला क्या है, किस लिए उन पर हमला किया गया है। ये तमाम बातें साफ होना बेहद ज़रूरी हैं, और मुझे ये भी पता चला है कि यहाँ पे पुलिस हुकाम भी आए हुए थे, तमाम मामलात को उन्होंने तफ्तीश शुरू कर दी है। अभी ये जानना है कि आने वाले दिनों में साजिद जैसे लोगों के साथ इंसाफ किस हद तक किया जाएगा। कौशल न्यूज़ किस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस तरह के हालात को लेकर आपके क्या कमेंट्स हैं वो ज़रूर पेश कीजिएगा। जी, आप प्रज्वल में एडमिट होकर ही हमने सुना कि आप पर हमला हुआ है, तो जैसे ही तनु का फोन आया तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं साजिद अबरार अलवी, इंडियन मोटर ड्राइविंग स्कूल प्रिंसिपल। मैं 2010 से ड्राइविंग स्कूल इंश्योरेंस और एमिशन टेस्टिंग सेंटर का ओनर हूँ। मेरी ऑफिस आपको पुलकेशी रोड में है, मंडी मोहल्ला पुलकेशी रोड में एक ऑफिस है, फर्स्ट ऑफिस। सेकेंड आको मैं आरटीओ के सामने हमारी एक ऑफिस है। मैं 30/1 सातवां महीना 2020/3 में ACB रहने टाइम पर एक इंस्पेक्टर और आरटीओ इंस्पेक्टर और उसका असिस्टेंट को मैं राइड कराया था। ट्रैप होको है मेरा, डिमांडिंग करते थे वो वास्ते मैं ट्रैप होको है 20/3 में। मुझे तब से भी यहाँ मुझे आरटीओ के अंदर ना बैठने दिए ना कुछ, मुझे इधर मुझे बहुत हमला करना, बहुत तकलीफ दिए, बहुत परेशानी दिए। आज कल क्या होता है, हमारे एक रिश्ते के चिच्चा का एक डॉक्यूमेंट DL रहता, उधर रिन्यूअल करा को रहता हूँ, वो हमारे एक स्टाफ को भेजता हूँ, हमारे भाई साहब को आरटीओ के अंदर जाको प्रिंट पंगला को काट कर को। उन्होंने रोजमाटा कंपनी में वहाँ जो काम करने वाला दीपू कर को है, उसे जाको उन्हें बोलती कार्ड प्रिंट कर को दे कर को। उन्होंने बोलती मैं नहीं करता कार्ड प्रिंट, तू आना नहीं यहाँ कर को बोलती। इन्हों बोलती ये खुद का कार्ड मेरा, हमारे वालिद का कार्ड है, प्रिंट कर को दे करने में तू ज़्यादा करे तो तुझे कंप्लेंट देखो, यहाँ से हमला कर तुझे नहीं कर को, वो छोकरा बोलता है। मैं फौरन जाको कल ERTO के सामने हमारे ये बात रखती हूँ। उन्होंने बुला भेजती, बुला भेज को पूछती क्या हुआ क्या नहीं कर को, मैं पूरी हकीकत उनके सामने मैं बयान करता हूँ। उसके बाद उनके सामने क्या बोलता, उनके खुद की उनकी मौजूदगी में उन्हें तुझे मैं बैठने देता नहीं, तेरे पर मैं हमला करता हूँ, क्या समझ गया तू, क्या तुझे छोड़ डालती क्या है हमें। उसके जोड़ में जो ट्रैक में जो इंचार्ज जो रोजमोटा कंपनी से जो कैस्केट करके एक कंपनी है वहाँ ट्रैक चलाती है, वहाँ की स्टाफ भी मुझे एक 2 साल से मुझे बहुत तकलीफ दे रही। मैं डायरेक्ट उनके ऊपर लगे मैं करना की कहता हूँ, मुझे जो चले मैं मेरा बयान ही दे रहा हूँ। और क्या हो को है, हमारे पूरी ड्राइविंग स्कूल ग्रुप में मुझे वहाँ के खुद मेरे चंद आदमियाँ भी मुझे बहुत तकलीफ दे रही। मुझे वहाँ जानलेवा हमला, आज मैं मगरिब के नमाज में 6:15 मैं ऑफिस बंद कर को निकलता हूँ। निकलने के वक्त मेरे पीछे आको मुझे दो एक एक्सेस गाड़ी में दो छोकरदा पीछे से आको, तेरा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है इधर, तुझे हरगिज हमें यहाँ बैठने देते नहीं, तुझे ख़त्म कर डालती कर को, क्या करती लांग ले को मुझे मारने आती। मैं क्या करता हूँ, मुंडी फिराता हूँ, मुंडी फिरा स्टेप पर मुझे यहाँ डैमेज होता, नीचे गिरता हूँ। वहाँ से निकल कर मैं यहाँ से हॉस्पिटल को लेकर एडमिट होकर। सर आप ये बता पाएंगे कि वो कौन हमला हुआ, आपके ऊपर जो हमला करने वाले वो कौन है? सब वो कौन है बोल के तो अब इनके खुद भी अब जो मुझे ट्रैक के जो काम वाले ही पहचान थी, सर क्योंकि दूसरी जो आवाम है दूसरे लोग जो है उनको जो है ये होता कि भी ऐसे डेंजर हो जाए,
जो कल में वो ट्रैक जो कार्ड के बारे में रोजमाटा कंपनी था उसके उसके इंचार्ज को भी बात किया मैं, उसके इंचार्ज को भी बात किया, और वो जो छोकरे को जो दीपूगर को जो कार्ड प्रिंट करता वो छोकरे को भी बात करने में मुझे उन्हें जान हमला ले तो उनको खुद ये कार्ड इंस्पेक्टर इनके एक उनके चैम्बर में बोला है। और उसके बाद जो वहाँ ट्रैक में काव्य आकर को और उसकी जो टीम छोकरदा ही उन्होंने पहले एक से उससे पहले भी मेरे एक दोस्त को और हमारे दूसरे साथियों को भी अटैक कर को कंप्लेंट ना कर को ही वहाँ ये वास्ते क्या हुआ मुझे उन्होंने जाम ने हमला उनके तरफ से छुआ है सर। जब पुलिस कार्रवाई हुई क्या? कार्रवाई को मैं कंप्लेंट देखो ही अब वो इंशाल्लाह वो कार्रवाई शुरू होती है। पुलिस क्या उम्मीद दिला रही है? पुलिस आए स्टेटमेंट लेके फिर रातों घर को बोली। तो आप क्या चाहते हैं? आपको इंसाफ होना? मुझे इंसाफ होना है चीज का। क्या होगा कि तो ये ज्यादती हो जा रही है, बहुत ज्यादती हो जा रही है। वहाँ हमें हक के बारे में आवाज उठाना चाह रही, हमारे हक को दबाना चाह रही, हमें हमें नीचे से लेकर ऊपर तक भी JCT से लेकर कमिश्नर तक भी कंप्लेंट कर को ही ऐसा सब चल रहा है। हमने तकलीफ हो रही है, दो साल से कर ले कुछ ही हमें, हर दो साल से लोक आयुक्ता को तक कंप्लेंट देखो हूँ। क्या बोला लोक आयुक्ता को जाकर ऑलरेडी मेरा कंप्लेंट वहाँ 6 महीने से है, ऐसा सब चल रहा है, हम परेशानी दे रही है, हमें हक के बारे में आवाज उठाना चाह रही है, हमारे आवाज को ना आज मेरा मैं कम से कम वो क्या मेरी नेकी थी क्या है, नहीं तो मैं 2 सेकंड में मेरी जान चले जाती। वो बचते हुए भी मैं हो को निकल को यहाँ को हॉस्पिटल में निकल को ले लगा को, मुझे नीचे गिरते ही आदमी कौन ले लगा क्या मालूम नहीं, यहाँ को आकर आया था हॉस्पिटल में एडमिट था। और मैं कानूनी कार्रवाई के वास्ते पुलिस के ऊपर और कर्नाटक गवर्नमेंट के ऊपर मुझे हुकूमत के ऊपर भरोसा है, इंशाल्लाह ये उन्होंने सही फैसला लेती और एक चीज़ का सही एक हमारा एक उम्मीद है, इंशाल्लाह पुलिस से भी उम्मीद है, कानून से भी उम्मीद है। कानून हक के खिलाफ किसे भी जाती नहीं, हक परस्त के वाले कुछ कानून इंसाफ देते अगर को मैं इंशाल्लाह मैं भरोसा रखता हूँ। और मैं अपील करना चाहता हूँ मुझे हक का फैसला करना कानून से और पुलिस से और गवर्नमेंट से। जी मैं हमारी टीम जो है मेरे ड्राइविंग स्कूल वाले क्या है हमें करप्शन के और रोज बटा वाले हमने खुद ओपन ये कर रही, हमने ये तेज पैसे देना एक कार्ड को 100 रुपए प्रिंट तो देती नहीं तो कार्ड प्रिंट करने देते नहीं हमें, तुझे हम ना बैठने देते नहीं, करप्शन ज्यादा हो गए। हक के खिलाफ करप्शन के बारे में हमें पूछे तो हम ना हमारा आवाज को दबाना चाह रही, एक और हर कार्ड में भी हर चीज में भी वहाँ करप्शन ज्यादा हो गए। और क्या हो जा रहा है तो हर कल में रोजमाटा वाले की भी बात करे और कर्नाटक हेड को भी बात करको हूँ, कमिश्नर को लेवल तक भी हमें लोक आयुक्ता को तक हमें कंप्लेंट देखो ही ये चीज का, उन्होंने क्या कर रही है तो ये चीज ज्यादा हो रही है, हम इस चीज को खत्म कर डालेंगे। और पंजाब पहले 2 साल से भी ये कर लगा रही इस चीज को इन्होंने रहे तो यहाँ ना मुश्किल है, इसे यहाँ से खत्म करना। उससे मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ, पुलिस से अपील करना चाहता हूँ, मेहरबानी से ये चीज का मुझे एक हक का फैसला दिलाओ और कानूनी जो कार्रवाई क्या है वो कानूनी कार्रवाई करके मुझे हेल्प कर को दियो। अल इत नम ड्राइविंग स्कूल असोसिएशन परवा नान मतडूंद्रे इवत इवर्गू ना इनबू आगबूद ना लंच निर्मूल अंत नावेष्टो सर्ती हेल्ता इवर आलरे 2 वर्षद हिंदे इंस्पेक्टर IMV इवर ಲಂಚಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದ್ಮಾಡಿದೆ ಕರಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಬ್ಯೂರೋಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಲಾಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿಸಿ ಅವರು ರಿಲೀಸ್ ಆದರು. ಅದು ಅವ್ರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕೇಸ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ RTO ತುಂಬ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರು ಇವಾಗ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರುಗಳೇ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರುಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನ್ ಕೇಳದಿದ್ರು ಥ್ರೂ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರ ಅನ್ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 36 ಜನದ ಮೇಲೂ ಒಂದು FIR ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಯಾರ್ಯಾರು ಅನ್ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ RTO ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಈಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮೀರಿ ತಿರ್ಗಾ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏಟಾಗ ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ರೈಟ್ಸ್ ಅದು. ನಾವು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡೋ ಜೀವನ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂಸಾರಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ತನ್ನ ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಜೀವನ ನಮ್ಮದು, ಈ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ. ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವೀಣಾ ಅಂತ, ನಾನು ಅಡ್ವೊಕೇಟು,
ನನ್ನ ಹಸ್ಬಂಡ್ ವೀನಾ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಐಶ್ವರ್ಯ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹಾಗೆ ಯೂನಿಯನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಆತ್ಮೀಯರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇವರು ಏಳು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಈ ತರ ಆನಂದ್ ಅವರೇ ನನಗೆ ಏಟಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಏನು ಕೈ ಕಾಲು ಒಡನಲ್ಲ ತಿಮ್ಸ್ತಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬಂದು ಆನಂದ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಇಂದ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇವರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಆರ್ ಟಿ ಓ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರು ಐ ಎಮ್ ಇಡ್ಸಿದ್ರು ನಾನು ಆರ್ ಟಿ ಓ ಅಧಿಕಾರಿನೇ ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನೋರ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿ 7 ಇಯರ್ಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಕಳಿಸಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂದೆ ಹಾಂ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವರು ಎ ಸಿ ಪಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ಅದಾದ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವರು ಇಬ್ಬರೇನೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಇಬ್ಬರೇನೆ ಆರ್ ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಯಾರು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇವಾಗ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದುವೇ ನಮ್ದು ಇವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ದೇನಿದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 80ರಿಂದ ಒಂದು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೈಲಿ ಒಂದು 7-8 ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 80ರಿಂದ 100 ಡಿಎಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅದೇ ಈಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇವ್ರು ಇದೆ ಅವ್ರದೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಹೌದು ಈಗ ಈ ಘಟನೆ ಇವತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಹೌದು ಏನೋ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆವರ್ಗೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಇವ್ರದ್ದು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ 2 ವೀಕಲ್ ನನಗೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ನಂಜನಗೂಡು ರೋಡಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ನಾನು ರೈಟಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿಂದ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಪೊಲೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಯಾರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಭಾರಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿದೆ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರೌಡಿಗಳು ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಯಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಯಾರು ಇದು ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೇ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಯಾವುದೇ ಇಂಪ್ಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರು ದಯಮಾಡಿ ಅವರು ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹಾಪರ್ಜು ಹಮಲಾ ಹುವಾ ಜಿ ಉಸ್ ವಕ್ತ್ ಜೋ ಹೈ ಆಪ್ ವಹಾಂ ಪರ್ ಮೌಜೂದ್ ಥೆ ಆಪ್ ಉಸ್ಸೆ ಸಾಮ್ನೆ ಜಾ ರಹೆ ಥೆ ಪೂರಿ ಘಟನಾ ಕ್ಯಾ ಹುಯಿ ಯೇ ಬತಾಯೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಫೀಸ್ ಛೇ ಬಜೆ ಬಂದ್ ಕರೇ ಹಮೇ ಛೇ ಬಜೆ ಆಫೀಸ್ ಬಂದ್ ಕರ್ಲೇ ಕೋ ಮೈ ಶಾಜಿದ್ ಭಾಗ್ ಗಾಡ
नहीं मैं नहीं देखा, मैं नहीं था, मैं आगे हो गया था, मैं सामने चला गया था, बस फौरन फोन आने पर भाई वापस से आया। जो हादसा हुआ वो आरटीओ के 100 मीटर या 200 मीटर जी जी, तो ऐसा हादसा होना और जाकर जो है ऐसा हादसा नहीं होना, उसके लिए आप कार्रवाई करना, पुलिस हो आर्मी हो से क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, मैं पुलिस से एक बहुत बड़ी एक अपील करना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे साथ हुआ तो दूसरा किसके साथ भी नहीं होना, इससे बहुत से बहुत एक्शन लेना और किसी से किसी को सजा देना है।